एक सम्मान जो यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान कैलाश गौरव सम्मान होना है। मैं आपको बता दूं कि ये सम्मान हिंदुस्तान के उस युवा कवि को, युवा साहित्यकार का हो रहा है आज, जिसे 2002 में नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मान मिल चुका है। पिछले वर्ष भारत सरकार ने पद्मश्री के रूप में चयनित करके पद्मश्री सम्मान दिया है और अभी कुछ दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती से सम्मानित किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी हम लोगों के बीच है। मैं चाहूंगा अपने अतिथियों से कि कैलाश गौरव सम्मान के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाए और जब तक सम्मान चलता रहे तब तक आप लोग ताली बजाते रहे, यही इसका द्योतक होगा कि यह कितना बड़ा सम्मान है। मित्रों, इस वर्ष से इस सम्मान की श्रृंखला में इस सम्मान की जो सम्मानित राशि है वो 51,000 की है और परंपरा के अनुरूप चेक की छाया प्रति, ये चेक केवल देखने के काम में आता है। बड़ा ही देशज मुहावरे का प्रयोग किया, दक्षिण लग जाओगे। आप सब जो समझ रहे हैं सही है, आपकी समझदारी को मैं सल्यूट करता हूँ। अभी फिर यह हॉस्पिटल गए थे। हाँ, अक्सर जाते रहते हैं, शादीशुदा है ना। 3 दांत टूटा हुआ था, डॉक्टर पूछा क्या है, कह रहे कुछ नहीं, हमारी वाइफ ने बहुत कड़क रोटी बनाई थी। तो डॉक्टर बोले मना कर देते खाने से, क्या वही तो किए थे। मित्रों, अभी हमारे बीच देखिए वो लोग कितना खुश होते जब सुनते हैं कि दूसरा भी अपनी बीवी से पिटता है। सबसे ज्यादा वही हंसते जो इस दौर से गुजरते। जोरदार तालियां अच्छे लोगों के लिए होनी चाहिए। हमारे बीच काव्य मंच के अध्यक्ष शिरोमणि ओज का वह नाम कमलेश राजहंस, जिसको यकीन मानिए एक एक घंटा तक श्रोता दर्शक मुक्त मंत्र मुक्त होकर सुनते हैं। एक काव्य मंच की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब आज दादा ओज की रचनाओं के साथ आएंगे तो आप देखिएगा किस तरह समय की नब्ज के साथ चलते हैं और आज के समय को ललकारते हैं, इतिहास को याद करते हुए एक सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए। हमारे साथ हिंदी कविता का वह अंतर्राष्ट्रीय नाम, गीत गजल दोहे मुक्तक छंद की जब बात होती है तो डॉक्टर सरिता शर्मा न जाने कितने सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं। राज्य मंत्री की भी हैसियत है, उनका दर्जा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय जो हमारे उत्तर प्रदेश का है, आज वो प्रदेश के संस्कृति विभाग को न जाने कितनी अच्छी सलाहें दे रही हैं और कितने अच्छे अच्छे काम कार्यक्रम हो रहे हैं। और एक बहुत ही अलबेले कवि हाथरस के पदम अलबेला जी, जिनकी हास्य छड़िकाएं, हास्य कविताएं, हास्य के गीत, और जब पैरोडी का उसमें आ जाता है मामला तो यकीन मानिए एक एक, एक नई ऊंचाई तक मंच जाता है। पर कभी कभी कुछ ऐसे अवसर आते हैं जबकि वह क्रम नहीं होता, लेकिन कुछ आवश्यकताएं आती हैं, कुछ ऐसी जिम्मेदारी की बात होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हम उनको पहले याद करते हैं। आप सब जिस तरह से आखिरी कवि तक सुनते हैं, अध्यक्ष तक सुनते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तजा है, मेरी आपसे जो प्रार्थना है मित्रों, अनुरोध है कि आज भी आप उसी तरह से हमारा साथ देंगे। पर अब मैं जिस ओर मुड़ रहा हूँ, हास्य व्यंग का वह नाम जिसने हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में एक नया मानक तय किया अपनी कविताओं के जरिए। हास्य व्यंग के तो अनूठे कवि हैं ही, लेकिन जब बात संवेदना की होती है तो यकीन मानिए चाहे वो बेटी का संदर्भ रहा हो या जब स्त्री शक्ति का, तब भी उनकी कलम चलती है तो एक नया इतिहास लिखती है।
मैं बहुत ही सम्मान के साथ कोई अदर कोई दूसरी पंक्तियां उनके लिए निवेदित नहीं करूंगा। यही बहुत है कि वो पद्मश्री भी हैं, वो यश भारती भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो कहीं भी जाते हैं वो भारती ही रहते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी, जिनको आज कैलाश गौतम गौरव सम्मान से नवाजा गया है, आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। जो प्यार आप लुटाते रहे उसी की अपेक्षा के साथ डॉक्टर सुनील जोगी। मां शारदा को नमन करता हूं। इलाहाबाद संगम की इस पावन दिव्य भूमि का वंदन करता हूं, जहां बड़े साहित्यकारों, संतों, राजनेताओं ने जन्म लिया। मंच को अभिनंदन करता हूं और आप सबका वंदन करता हूं। आप बहुत थक गए हैं कविताएं सुनते सुनते, तालियां बजाने की सामर्थ्य भी आपकी खत्म हो चुकी है। मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई है उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बस आप इस धरा पर हैं यही काफी है, बाकी तो आप जो कर रहे हैं वो हो ही रहा। इतने कम लोगों में मैंने कभी कविता नहीं पढ़ी, आज फंसा हूं तो कोशिश करूंगा। मैं बहुत बधाई देता हूं आसरा फाउंडेशन को, प्यारे मित्र प्रदीप तिवारी को, संतोष तिवारी को, पंकज भाई को, आप सबकी और हम सबकी विदुषी और नेत्री डॉक्टर रंजना वाजपेयी जी को। सारे नेता चले गए लेकिन आप यहाँ बैठी हैं। ये उनका प्रेम है, उनका स्नेह है। हर्ष भाई बैठे हैं, डॉक्टर पीयूष दीक्षित बैठे हैं, डॉक्टर द्विवेदी बैठे हैं, पंकज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कम से कम इनकी तालियां तो मुझे मिलेंगी। बिल्कुल। और शैलेश भाई जो कि कैलाश गौतम जी के यशस्वी सुपुत्र हैं, मैं पहली बार जब इलाहाबाद आया था तो मुझे श्रद्धेय कैलाश गौतम जी ने बुलाया था। उनका कर्ज मेरे ऊपर है, मेरी कविता पर है, मेरे हुनर पर है, और कहीं ना कहीं उनके आशीष रहे होंगे जो मैं यहाँ कुछ मुझे वक्त मिला यहाँ की सेवा करने का, काम करने का। मंच पर भी बड़े लोग हैं, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ जो मुझसे पहले पढ़ते हैं तमाम कारणों से, लेकिन मैंने अनुरोध किया कि मुझे आज थोड़ा सा ये छूट दे दें कि मैं सम्मानित होने के बाद भी पहले पढ़ के जाना चाहता हूँ। हालांकि ये सब लोग इस चक्कर में थे कि मैं समापन करूँ, और मुझे समापन की दशा दुर्दशा सब पता है, तो मैं आपके सम्मुख हूँ। कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं एक बार मुझे हाथ उठा के बता सकते हैं, अब इन्हें तालियों में तब्दील करके बता सकते हैं। माइक का मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है और शायद माइक वाले को भी नहीं है, जिस कारण से माइक अभी तक ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा और अच्छा कर दो तो आपके भी बाल बच्चे पल जाएंगे और मेरे भी पल जाएंगे। मैं देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत आनंद का, बहुत उत्सव का कवि हूं। मुझे आप बिल्कुल इस तरह मत सुनिएगा कि जैसे आप उठावनी में बैठते हैं, मैं आपको आनंद भू दूंगा और कविता को भी कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा उत्सव इलाहाबाद का मैं समझता हूं कि अगर कुछ सरकारी महोत्सव छोड़ दिए जाएं तो ये आसरा फाउंडेशन का ये जो थिथोली है वो आज इलाहाबाद की पहचान बन चुका है। इसके लिए जितने लोग इससे जुड़े हैं वो सब बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और मैं सबको बधाई देता हूँ। मेरे बाद आज के अध्यक्ष कमलेज राघवंश जी वो हैं, और पदम अलबेला जी वो हमारे बुजुर्ग हैं, आसाराम बापू से एक दो साल ही छोटे, परिणाम आने अभी बाकी। उल्लास में बैठिए, देखो मैं बहुत मजेदार थी, मैं मोबाइल पे बात कर रहा। आदरणीय सरिता जी जो लगभग 20 साल से ज्यादा हो गए मुझे उनको सुनते और देखते और सीखते, वो भी एक चलती फिरती पाठशाला है देश की कवित्रियों के लिए,
वो पढ़ेगी और इन सबको आप सुनकर जाइएगा। सुमन दुबे जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने उनसे कहा कि इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया। और मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया? थोड़ा आपको जागना पड़ेगा। अब जो लोग सामने है वो फिर मैं हूँ, थोड़ी देर में आप मेरे रंग में होंगे। और शैलेश भाई मैं ये दावा करता हूँ जी कि मैं एक एक व्यक्ति को बस आंदोलित करके यहाँ से जाऊँगा। मैं से बिल्कुल गवा रहा हूँ, मैं निश्चित तौर पर मैं हूँ तो मैं हूँ, ये तो तय। मैं चार पंक्तियाँ सबसे पहले इलाहाबाद पर पढ़ता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपके भीतर कितना इलाहाबाद है, लेकिन मेरे भीतर जितना है वो मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। आपके भीतर कितना है ये आप तय करें, मैं आप पर छोड़ता हूँ। चार पंक्तियाँ मोहब्बत की हैं, लेकिन इलाहाबाद पर मैंने लिखी हैं, वो मैं आपको सौंपता हूँ। रंजना जी आपकी उपस्थिति को बहुत सौ सौ बार नमन है। कि हमारी आँख में जो ख्वाब है आबाद हो जाए। वाह शायरी में कहते हैं वाह 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 क्या कह दिया है, भले कुछ न कहा। ये परंपरा है, ये ऐसी परंपरा है, करना पड़ता है। ये जो तिवारी जी आपने अलग झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापित किया है, इन्होंने एक बार भी ताली नहीं बजाई, तो इन्हें इतने ऊंचे आसन पर बिठाने की जरूरत क्या थी? ऊंचे आसन पर बैठने वाले लोगों की समझ भी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। हो सकता है ये पत्रकार हो, अगर पत्रकार हैं तो इनसे हमारी रिश्तेदारी है। हम लोग सरस्वती के पुत्र हैं और ये नारद जी के पुत्र, तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये बहुत खूब समा सुनील मैं शुरू होता हूँ। वो बच्चा एक फरमाइश लेके आया था, ए भाई ऐ गुजराती भाई आपकी सुनी इसने तमाम कविता। ये बच्चे मेरी कविता सुन के यहाँ आ गए, जोरदार तालियां मित्रों। यही तो कविता की ताकत, यही तो कविता। मुझसे लोग कहते हैं हाँ सुनाएगा, लेकिन हाँ अभी नहीं आ रहा मुझे सुना दे। जब मैं पैसे ले रहा हूँ तो इससे फ्री में मेहनत क्यों करवा, ये तो भाई मजदूरी हुई। देखो फ्री में आप बच्चे से मेहनत क्यों कराना चाहते हैं? नहीं नहीं मैं जानता हूँ कि वो मेरा प्रशंसक हो सकता है, वो छोटा कवि हो सकता है, मैं उसको सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। लेकिन बेटा मैं बिल्कुल सुनूंगा आपको, मैं जानता हूँ कि कुछ कविताएं उस तक पहुँची हूँ। लोग मुझसे कहते हैं रंजना जी की कविता क्यों करते हैं, कविता का क्या महत्व है? मैं सबसे पहले वो सुनाता हूँ। बड़े बड़े राजनेता कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, निराला जी की महादेवी जी की भूमि पर कविता की शक्ति बताता हूँ, कविता की ताकत बताता हूँ और इलाहाबाद के कविता प्रेम को देखना चाहता हूँ। स्वागत। कि सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, जागना। मंच पर चर्चा है कि हम तो ये सोच कर आए थे कि इलाहाबाद जो है वो महादेवी वर्मा की भूमि है या निराला जी हुए थे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा लगा नहीं। मैं वो दिखाना चाहता हूँ पीछे के लोगों को कि सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे, सदियां बीते जब सुल्तानों के नामो निशान नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे। वाह ये कविता की ताकत है। और कविता क्या है समझ जाए तो इलाहाबाद जागे। मैं ठाके भी दूंगा और कविता भी दूंगा। मैं प्रारंभ करता हूँ, कविता की परिभाषा देता हूँ। स्वागत कविता जी। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहिए मुझे अगर कविता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वाह कमजोर मत पढ़ना। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले। वाह वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे,
ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। इसकी खुशहाली की खातिर हम मन्नत मांगा करते हैं। अब वक्त आ गया है किसको अर्पित तन मन धन करिए, भारत माँ के माथे पर फिर बलिदानों का चंदन करिए, ये मीर कबीरा सूरा के वंशज इनको वंदन करिए, और दोनों हाथ उठा करके कविता का अभिनंदन करिए। लोग आते हैं, पोएट्री मीट होती है, थोड़े से लोग बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पूरी पूरी रात एक एक लाख लोग मुझे सरिता जी को सुमन जी को सुनने लोग बैठते हैं, एक एक लाख लोग होते हैं। रंजना जी, मैं टिप्पणी करता हूँ कि जब हम लाखों की भीड़ में कविताएं पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं सुन रहे हैं। वाह। लेकिन जब संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जब मन से सुनते हैं और आखिरी पंक्ति तक लोग जागरूक होते हैं, तो मुझे लगता है कि इलाहाबाद में मुझे पांडवों के बीच कविता पढ़ने का मौका है। वाह। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर दूंगा। कविता के रंग है, ये कहीं गीत है, गीतों की झनकार है, कहीं ओज की टंकार है। तो क्या ओजस्वी स्वर आया पाकिस्तान के ऊपर, किसने छंद पड़ा था, ये हमारे अज्ञानी जी ने। अब ऐसी लड़ाई नहीं होती भाई, लोग बंकर में बैठे रहते हैं, उधर भी बंकर खुद गए, इधर भी बंकर खुद गए, कुछ दिखता ही नहीं, किसको मारे, किससे लड़े। तो हिंदुस्तानियों ने रास्ता निकाला, आवाज लगाई सीमा पर जाकर सैनिकों ने, अरे बोले तुम्हारे इधर जावेद कौन है भाई। एक बंकर से खड़ा हो गया, हम जावेद। उसने कहा ठाए, अगले दिन फिर गया, बोले रहमान कौन है तुम्हारे यहाँ, कोई ना कोई इस नाम का निकल ही आता। फिर एक बंकर से खड़ा हो गया, बोले हम रहमान हैं। देखो हास्य में भी देशभक्ति है, ये मैं सिद्ध करूंगा। बोले हम रहमान हैं, वो खड़ा हुआ, फिर इधर से ठाए चल गई ऊपर। 7-8 दिन तक नाम ले लेके मारे, जावेद रहमान सबको निपटा दिया। थोड़े दिन बाद पाकिस्तानी सेना को लगा कि यार ये हिंदुस्तानी तो नाम ले लेके मार रहे हैं, तो हमें भी कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहिए। तो उधर से एक आया, बोला भाई उधर रामलाल कौन है। यहाँ से कोई उठा नहीं, कोई एक मुंडी बाहर नहीं आई, किस तरह से आपकी ताली बाहर नहीं आ रही। एक मुंडी बाहर नहीं है। फिर अगले दिन एक आया, बोला भाई तुम्हारे यहाँ रामलाल कौन है। शाम तक चिल्लाता राम रामलाल रामलाल रामलाल, इधर अपना खाता किधर, कोई मतलब नहीं उससे चिल्लाते। 7 दिन तक वो चिल्लाते रहे, रामलाल कौन है रामलाल कौन है, एक भी ना गया। अगर एक भी हाथ नीचे रहा तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो, आप मुझसे जितना जुड़ोगे मैं उसका 100 गुना वापस करूंगा यार, परेशान। तो रामलाल कौन है, 7 दिन बाद इधर से एक गया, वो इलाहाबाद का था। इलाहाबाद का आदमी ऐसे चमत्कार कर सकता, सरता जी 7 दिन बाद इधर से एक गया, और बोला भाई उधर से रामलाल को कौन पूछ रहा था 7 दिन से। क्या बात है, एक खड़ा हो गया, बोले हम पूछ रहे हैं। तालियों का महोत्सव होना चाहिए भाई, सब एकदम जीवंत है भाई सब लोग, क्या बात है। अरे इलाहाबाद तो दूसरी बात, हाथ में क्या देशभक्ति है। वाह। ये फोटोग्राफ किसी बारे में भैंसे बनी हो, आप किसी मजदूर से किसान से पूछ लो कितनी भैंसे, वो बता देगा मुंडी गिन के कि भाई ये 10 भैंसे बनी है। आप ये बात किसी प्रोफेसर से पूछो मैथ के, किसी बड़े डॉक्टर से पूछ लो पीयूष जी। किसी डॉक्टर हाँ बड़े आदमी, किसी बड़े आगे बैठे आदमी से पूछ लो, वो मुंडी गिनेगा ही नहीं, वो टांगे गिननी शुरू करेगा। थोड़ी की खटखट कर दिया, ज्यादा पढ़े लिखे तो मुंडी गिनेगा नहीं, टांगे गिनेगा, और उसके बाद 4 का भाग देगा उसको, डिवाइडेड बाई 4। और अगर बहुत ही बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा हुआ तो गूगल पे सर्च भी कर सकता है कि भैंस की कितनी टांगे होती।
हाउ मेनी लेग्स इन, ये बड़े लोगों की पहचान है। और अगर गलती से एक टांग छूट गई, आनंद लेना, एक टांग छूट गई तो आपको बताएगा कि भाई साहब 9.75 इलाहाबाद के लोगों, एक साथ लीलावती कलावती बैठ जाए तो बातें निश्चित। क्या बात, क्या विभूषण, तो आधे लोग आपको देखने के चक्कर में ताली नहीं बजा। अरे मैं इनसे एक फोटोग्राफर बाबू क्या देने वाले तो ये स्पॉन्सर का फोटो नहीं आया तो पेमेंट नहीं आया। सच बता रहा हूँ, जब सुमन जी यहाँ आई तो कई बुजुर्गों ने चश्मे उतार करके साफ किए। मैं समझ गया कि उनका मोतियाबिंद तो आज ही ठीक थी। अपना मोतियाबिंद बॉर्डर पे रामलाल को नहीं खोजा था, राधे श्याम जी को खोजा था। हाय मैं आपकी हिम्मत को प्रणाम करता हूँ, काश ये हिम्मत आपकी भाभी जी के सामने भी एक बार बहुत अच्छी बात है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। लेट के ताली बजाओ, लेट के ताली बजाओ, चादर ओढ़ के ताली बजाओ, फूल माला मैं चढ़ा दूंगा। मेरे सामने बोलना वर्जित, ये समझ सुमन जी तू टेंशन नहीं, इतनी खुशी की बात तो ये सोच रही है, इतना क्यों सोचना, गलत बात है। मैं हो गया बीबी से इतनी देर बाद, मैंने कहा हाँ मेरी थोड़ी है। देखो जब तक सारे लोग मेरे सुनने लायक नहीं होंगे मैं शुरू नहीं होगा, अभी तो मैं बातचीत कर रहा हूँ, जब मुझे लगेगा कि कोई मोगले आजम नहीं रहा मैं इलाहाबाद पर चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हमारी आंख में जो ख्वाब है आबाद हो जाए। वाह वाह, भूल गए क्या जी क्या क्या करना कि हमारी आंख में जो ख्वाब है आबाद हो जाए, जो पल बीते तुम्हारे संग जिंदाबाद हो जाए, जो पल बीते तुम जब जागे इलाहाबाद, कि जो पल बीते तुम्हारे संग जिंदाबाद हो जाए। अगर एक बार तुम मुझसे मोहब्बत से गले मिल लो तो हम दोनों बने संगम इलाहाबाद। अभी भी आप कमजोर हैं, मैं इतने लोगों पर भारी पड़ रहा हूँ। ऐसा तीन लोग उठे नहीं, काम कर रही हो तो उसी को 10-15 साल जीता, नए पे प्रयोग क्यों करना। अखिलेश जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जीता नए पर प्रयोग करना चाहिए, कुर्सी पर आ जाओ बेटा, ये तुम्हारा 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। ये जो नई उम्र की लड़कियां हैं, मैं सच बता रहा हूँ, नई उम्र की लड़कियां रंजना जी किताबों में सलमान खान के फोटो रखती हैं, विराट कोहली के फोटो रखती हैं, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। तालियां कमजोर मत, मैं अभी शुरू कहा हुआ, मुझे मजा आएगा तो मैं शुरू हो जाऊंगा, अभी मैं शुरू हुआ ही नहीं, जेठालाल से हो जाती। सच बता रहा हूँ, ये महिलाओं की जो इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, अद्भुत है साथ। ये महिलाएं पति पत्नी पार्टी में गए, पति खाने पीने में व्यस्त हो गया, पत्नी ने इशारे से उसे बुलाया, बिना बोले वो बेचारा दौड़ के आया, हाँ क्यों बुलाया क्या हुआ, बोले कुछ नहीं वापस जा मैं तो उंगली की पावर चेक कर लूं। अरे क्या बात है, मेरी पहली बार शादी हुई तुम मेरी बहुत पहली बार ससुराल, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ, पूछा जो मेरे रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। लोग हंसते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी के दर्द कम कर दिए, किसी का तनाव कम कर दिया, किसी के होठों पर मुस्कान लिख दी, तो मैंने एक पूजा जैसा काम किया। बदल रहा है, भाषाएं बदल रही हैं। अभी मैं बनारस गया, दो पंडित आपस में लड़ रहे हैं,
मैंने कहा भाई पंडित हो के आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो एक ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूँ तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या? हर जगह तनाव कहाँ झगड़ा शुरू हो गया? धनी लगी हंसाना कितना कठिन काम है। ये सब तनाव में बैठे लोग हैं, ये हंसना नहीं चाहते लेकिन शब्द वहां तक पहुंचता है और उनके ठाके कूद जाते, यही कविता की शक्ति। तनाव कहीं भी कुछ पता नहीं। इलाहाबाद के लोग इतने शार्प हैं, मैं बहुत देर से देख रहे हैं, तमाम सारे लोग पीछे खड़े और बस बड़े सम्मोहित भाव में। इलाहाबाद का आदमी वो होता है जो कभी फंसता नहीं, कभी धोखा नहीं खाता, घबराता नहीं। किसी की एक डॉक्टर बन गया यहाँ पीयूष जी, ये पीयूष जी मैं सच बता रहा हूँ, मैं कि मैं दिल्ली रहता हूँ रंजना जी, मैं शपथ खाकर बोलता हूँ संगम की कि मेरी जरा भी तबीयत मेरी या मेरी पत्नी की किसी की खराब होती है मैं किसी एम्स के किसी अपोलो किसी मैक्स के डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं पहला फोन इलाहाबाद में डॉक्टर पीयूष जी को मिला। ये तकलीफ है और मुझे कौन सी गोली खानी चाहिए, और ईश्वर ने उनके हाथों में वो सिफत दी है, वो बरकत दी है। तो अच्छी बात है, इलाहाबाद के लोग एक MBBS पढ़ के एम्स में डॉक्टर हो गया, किसी की पत्नी की डिलीवरी होनी थी, उसने कहा कि भैया पहली बार बाप बन रहा हूँ, इशारे में बताना, लड़का हो जाए तो कहना टमाटर हुआ है, लड़की हो तो कह देना प्याज हुई है, इशारे में बताना, शर्म लगती है, संकोच होता है, रिश्तेदार बैठे होते हैं वो जुड़वा पैदा हो। लेकिन डॉक्टर इलाहाबाद का था, वो घबराया नहीं, उसने बाहर आके जो सूचना दी उस पर आप आनंद लेना, पीछे तक अभी मैं शुरू नहीं हुआ। इलाहाबाद का डॉक्टर बाहर आया और कहा भाई साहब मुबारक को सलाद हुआ है, तो सात पांच हो जाए आनंद शुरू। वो मच्छरदानी में छेद हो गया उसके, तो मच्छर उस छेद से घुसे और उसको काटे, तो पटेले नहीं मच्छरदानी नहीं खरीदी, उसने उस छेद के बराबर में दूसरा छेद कर दिया और बाजार से पाइप लाया और उस छेद से उस मच्छर आए और इस छेद से दूसरे और पाइप जो आदमी मच्छरों का भी बाईपास बना दे वो इलाहाबाद। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, पिछले चार साल में एक भी विवाद, एक भी बदजुबानी, एक भी किसी तरह का गलत बयान उनका नहीं आया। हमें तो दिल्ली में रोज भुगतने पड़ते हैं, मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, बस ताल देना, आनंद लेना, मुझे लगेगा कि शुरू होना चाहिए तो मैं आपको कविता से और आनंद से भर कर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। स्मृति ईरानी ने कहा बहन जी से कि अगर मैं जवाब से संतुष्ट नहीं कर सकी तो मैं अपना शीश काट के आपके चरणों में चढ़ा दूंगी। मायावती जी ने कहा लाओ दे दो, राजनीति दे दो। मैंने बहन जी से पूछा कि आप क्या करोगी, बोले वो ज्यादा सुंदर है दे देगी तो मैं अपना काट के उसका लगा। आपने वो रंग देखा है, ये भी बहुत अच्छे जोगी जी, क्या बात। चार पंक्तियां पढ़ता, स्वागत स्वागत। के धरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए मेरे साथ, के धरने पे बैठ बैठ के धन, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता हूँ। बहुत अच्छे। धरने पे बैठ बैठ के धन नंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, हम चीख चीख करके संतरी न बन सके। एक पंक्ति दिल तक पहुंच जाए तो हाथ उठ जाए, कि हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दो, क्यों खत्म कर दो, बड़ी मुश्किल से तो हमने पाल पोस के बड़ा किया, कितनी सुविधाएं। और कह रहे खत्म कर दो, और हो भी नहीं सकता आसानी से, हमने कहां कहां जड़ें जमा रखी है मैं बताता हूं। अदालत में दो वकील बहस कर रहे, जज साहब कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर मैं अपने वकील को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त देता हूं। जज साहब ने कहा कानून की किताब पेश की जाए, कानून की किताब आई, जज साहब ने फौरन पेज नंबर 15 पलटा, हजार हजार के 10 नोट रखे। आनंद लेना, इलाहाबाद वकीलों का शहर।
हजार हजार के दस नोट रखे थे। जज साहब ने मुस्कुराते हुए किताब दराज में रखी और कहा, वकील साहब इसी तरह के दो सबूत और पेश किए जाए। कहां से खत्म हो जाए? वो बीच में राहुल गांधी जी कितने भोले आदमी है, कितने सीधे आदमी है, कितने सीधे आदमी है। राजनीति में इतना भोला आदमी आपने नहीं देखा होगा। किसानों की रैली हुई, रैली को संबोधित किया, किसान मिलने आए, बोले राहुल जी हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम बर्बाद हो गए, ओले पड़ गए। राहुल जी बोले, तुम लोग बेवकूफ हो, खुले में फसल बोते ही क्यों? तालियां कमजोर मत करना, मैं आनंद बढ़ाता चल रहा हूँ, आप परेशान बिल्कुल मत करो। चार पंक्तियां मैं उनके दिल की आवाज आप तक पहुंचाता हूँ कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया। राहुल जी कह रहे हैं कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटे बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना। बोले लोग इस देश में बहुत है साहब, बहुत। अभी मैं बिहार गया, बाढ़ आई थी एक जगह बिहार में, बिहार में बाढ़ आई तो सेना के लोग आ गए, सेना आ गई, बाढ़ के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। गांव के 900 लोग उन्होंने बाढ़ से बाहर निकाले। तो पत्रकार लोग कुछ मुखिया जी के पास गए, बोले मुखिया जी गांव की जनसंख्या तो 500 है, रजिस्टर में तो 500 चढ़े, ये 900 कहां से बाहर निकाले, आप कुछ गड़बड़ जरूर करते हो। मुखिया जी ने कहा, नहीं बाबू कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, हम एकदम सही रजिस्टर बनाए, लेकिन दरअसल हमारे गांव के लोगों ने पहली बार हेलीकॉप्टर देखा और पहली बार उसमें बैठे। ये सेना के लोग उन्हें बाढ़ के पानी से निकाल कर बाहर छोड़ते हैं, वो दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए फिर से पानी लेते। बोला कर देखो, और तालियां आप चाहिए मुझे, फिर से पानी में कूद जाते हैं। और आपसे क्या छुपाना, मैं तो गांव का मुखिया हूं, 9 बार तो मैं खुद ही कूद चुका। आनंद ढूंढना चाहिए, मुझे सम्मान मिला, सरिता जी को पता ही है, सब मित्रों ने कहा कि मिठाई खिलाओ, भाषा बदल रही है। इलाहाबाद का एक आदमी बैंक में जाके सो गया, तो बैंक मैनेजर ने कहा ये कोई सोने की जगह है, बैंक है। उसने कहा आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि हमारे बैंक में सोने पर लोन मिलता है। भाषा बदल रही है। मुझे तो क्या है ना पीयूष जी, मित्रों ने कहा कि मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलानी पड़ेगी आपको, पद्मश्री मिला, यश भारती मिला, तो मैंने हल्दीराम को फोन लगाया, भाषा कैसे बदल रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई है, फोन से आवाज आई, हल्दीराम में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दबाएं, रेवड़ी गजक के लिए 2 दबाएं, नमकीन के लिए 3 दबाएं। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज आई, लड्डू के लिए 1 दबाएं, काजू बर्फी के लिए 2 दबाएं, गाजर हलवा के लिए 3 दबाएं और पानी के लिए 4 दबाएं। बेटा किसके मांगने पे ले जाए, बेवजह सेवा क्यों की जा। तो मुझे लड्डू चाहिए थे, मैंने फिर 1 वाला दबा दिया। फिर आवाज आई, गोंद के लड्डू के लिए 1 दबाएं, बूंदी लड्डू के लिए 2 दबाएं, मोतीचूर के लिए 3 दबाएं। मुझे फिर 1 दबा दिया। फिर आवाज आई, 1 किलो के लिए 1 दबाएं। आप रोज भुगतते हो ये भाषा, आप फोन करो एयरपोर्ट स्टेशन, 10 किलो के लिए 2 दबाएं, 100 किलो के लिए 3 दबाएं। मुझसे वो 1 की जगह गलती से 3 वाला बटन दब। लेकिन थोड़े दिन इलाहाबाद मैं भी रहा हूं, तो मुझे भी यहाँ का पानी पता। मैंने क्या किया, घबरा के रिसीवर रख दिया। मैंने सोचा चलो बवाल कटा, लेकिन 5 मिनट बाद वहां से पलट के फोन आ गया, बोले हल्दीराम से बोल रही हूँ, अभी अभी आपके यहाँ से 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया, लड्डू कहाँ भिजवाने हैं, माल तैयार। मैंने कहा बहन जी मैंने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं, हम घर में 9 भाई बहन हैं, बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाएं।
और आप एक बार मिलकर तालियां बजाएं। जोरदार महोत्सव, क्या बात है। प्रेम की तमाम सारी बातें होती हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अभी मेरी पत्नी रामदेव जी का वो नूडल्स खरीद के लाई, जो मैगी बंद करके शुरू किया ना उन्होंने, रामदेव जी के नूडल लाई। मुझसे पूछी, रामदेव जी के नूडल लाई वो कैसे खाने हैं? मैंने कहा रामदेव जी ने निकाले हैं, एक नाक बंद करो दूसरे से खींच लो। योगा का योगा। प्रेम पर चार पंक्तियां पढ़ता, प्रेम से हास्य कैसे निकलता। सीता जी बड़ी कवित्री है, प्रेम के गीतकार हैं मनोज जी हैं, सब बड़े, वो बच्चे ने भी बहुत बढ़िया सुनाया। मैं हास्य हर जगह खोजता हूँ, मुझे तो एक भी एक पुतला चलता फुरता दिखता है तो मुझे आदमी नहीं दिखता, मुझे लगता है शरीर में आत्मा घूम रही है, हास्य दिखता है। मैं पढ़ता कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। वाह, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हो जाए। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। हाँ। मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई, खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो, ये भी प्रेम है। रामदेव जी की बात बहुत हुई, मैं दो पंक्तियां राजनीति पर और दो पंक्तियां आपके आनंद के लिए पढ़ता हूं। कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए, कि कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए, भूखे थे चार दिन के वो रोटी में आ गए, एक बार मल्लिका से मिलके ये हुआ असर कि बाबा रामदेव लंगोटी में आ गए। लेकिन रामदेव जी ने बहुत काम किया, योग के क्षेत्र में इतना काम किया कि पशु पक्षी तक जागरूक हो गए। मुर्गी बाजार गई, दुकानदार से बोली एक अंडा दे दीजिए, दुकानदार ने कहा आपको अंडे की क्या जरूरत है? मुर्गी बोली मेरे हस्बैंड ने कहा कि 2 रुपए की चीज के लिए अपनी फिगर खराब करने की कोई जरूरत। इलाहाबाद के लोग अद्भुत, रंजना जी आप तो इलाहाबाद की हैं, सब जानती हैं। वो एक इलाहाबाद का आदमी, एक दिल्ली का आदमी, एक बंबई का आदमी एक जगह कॉफी पी रहे रेस्टोरेंट में, काम आएगा आगे, रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे, तो दिल्ली वाले ने कॉफी पी के सीधा कप रख दिया, बंबई वाले ने कॉफी पी के उल्टा कप रख दिया, तो इलाहाबाद वाले ने सोचा कि मेरे को कुछ अलग डिजाइन बनाना चाहिए। तो उसने टेढ़ा कप रखा आड़ा कर, बड़ी मुश्किल में टिका लेकिन अगले टिका दिया। जब ये एजी ऑफिस में कोर्ट टिका के नौकरी कर लेते, मैं जानता हूँ सभी आता, सवेरे कोर्ट टांग जाते हैं शाम को ले जाते हैं, आप दिन में जाओ बोले बाबूजी यही चाय पी ले गए। ऐसे होते हैं, देखो टिका दिया उसने, टेढ़ा करके टिका दिया। तो उन दोनों ने देखा, बोले ये टेढ़ा क्यों टिकाया तुमने? बोले भाई तुम पहले बताओ, तुमने सीधा क्यों रखा, तुमने उल्टा क्यों रखा, हम पहले क्यों बताए? तो दिल्ली वाले ने कहा भाई सीधी सी बात है, हमको और कॉफी चाहिए इसलिए हमने सीधा रख दिया। बम्बई वाला बोला हमको और कॉफी नहीं चाहिए इसलिए हमने उल्टा रखा। अब इलाहाबाद ही फंस गया, बोले बता टेढ़ा क्यों रखा? लेकिन आदमी फंस जाए तो फिर इलाहाबाद का ही नहीं। अगले ने बोले बता बता टेढ़ा क्यों रखा? इलाहाबाद वाला फंस गया, लेकिन उसने जो जवाब दिया उस पर दोनों उल्टे हो गए। आपको लगे कि इलाहाबाद का जवाब शानदार है तो मैं शानदार मोहब्बत चाहता हूँ। बोले बता बता तूने टेढ़ा क्यों रखा? इलाहाबादी ने कहा भैया इसलिए टेढ़ा रखा कि हो तो दे दो ना हो तो रहे। हो तो दे दो, तू कुछ नहीं, आनंद। देखो मैं बहुत मोहब्बत वाला आदमी, कविताओं के तमाम सारे रंग में लिखता हूँ, जीता हूँ, बोलता हूँ। अब मैं रंग बदलता हूँ, थोड़ा ढंग बदलता हूँ। मैंने कहा शायरी की एक अलग कहन होती है, अलग बात होती है, अलग जुबान होती है। मैं कुछ पढ़ता हूँ क्योंकि आपने मुझे सम्मानित किया है। मैं ठिठोली सम्मान के लिए संतोष भाई का, हमारे तिवारी जी, प्रदीप जी का,
सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ, पंकज जी का और जो भी कमेटी लोग हैं और वो स्पॉन्सर्स लोग जिन्होंने इतना सहयोग दिया है, उनके लिए भी एक बार तालियां आप। ये बड़े उत्सव किसी एक व्यक्ति के बस के नहीं है, सब लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग शामिल करना होता है। जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है आर्थिक तौर पे या किसी भी तौर पे, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं शुरू होता हूँ, मुझे कविता का समर्थन। पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई में छूटा। थोड़ा और बढ़ गए तो मैं और अच्छा था कि जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई। मंच का भी थोड़ा सा सहभाग, अच्छा, सब अच्छे कवि हैं लेकिन मोहब्बत उधर से भी आई। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान का पता बताता हूँ साहब, कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है, कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, गरीबों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है, गरीबों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है, गरीबों और मजदूरों में ईश्वर कहाँ है। लोग कहते हैं ईश्वर यहाँ है वहाँ है, तमाम धर्म लड़ते हैं, मैं ईश्वर का पता बताता हूँ। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मैं सरिता जी का आभार व्यक्त करता हूँ और कुमार मनोज भाई और इस मानवी चले गए, मैं इन सब का प्रशंसक खुद, इनको सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ इन जैसा लिखता हूँ या इनसे कुछ कोशिश करता हूँ। मैं तो हाशविन का कवि हूँ आप समझ चुके होंगे, लेकिन ये दो लोग आ रहे हैं मैं इनका भी आभार करता हूँ, ये अगर नहीं चाहते तो नहीं भी आ सकते, हो सकता है ये इनका पुनर्जन्म हो। ये सब रंजन जी मैं बहुत देर तक कर सकता हूँ लेकिन इलाहाबाद है तो मेरा मन कविता सुनाने का करता है। मैं फिर चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, अभी मेरा मूड बना नहीं है, बन जाएगा तो फिर बन जाएगा। ये पानी भी बंद कर दो बेटा, बिना मांगे मत किसी को पिला। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। कमजोर मत पड़ना, ये मुकाबला है, मैं अकेला हूं और आप 2-4 हजार हो सकते हैं। कि मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से। वाह वाह, वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से मिलता है, वाह, वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से मिलता। ईश्वर को पता है कि उसे मालूम है किसका कहाँ नुकसान होना है, कहाँ पर फूल खिलने हैं, कहाँ वीरान होना है। वो इंसान ही नहीं पत्थर के भी तकदीर लिखता है, किसे ठोकर में रहना है किसे भगवान होना है। वहां भी मुकद्दर का खेल है साहब। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ इस क्रम की अंतिम, ये कार्यक्रम ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किया है हमारे तिवारी जी ने। मैं सरकारें, हमारी सरकार ने योजना चलाई, पढ़े बेटियां कन्याधन योजना, कभी कुछ अलग ढंग से कहता है। सरिता जी ने बहुत अच्छा गीत लिखा भ्रूण हत्या के खिलाफ, लेकिन मैं चार पंक्तियां भ्रूण हत्या के खिलाफ बोलता हूँ, सरिता जी को और रंजना जी को समर्पित करता हूँ। समर्थन हो तो मुझे लगे कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है। कवि का आंदोलन एक पंक्ति है कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटे
की गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन। वाह, रोजा का ये पूरा क्या बात है, बेटी मारने वालों क्या बात है, बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन। और क्या कहे कभी, क्या कहे कभी। बेटियों को हम जितना आसान समझते हैं, जितना उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गर्भ में मार देते हैं, तमाम व्यभिचार होते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में ये होने लग गया। मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार है। ये कार्यक्रम चूंकि बेटियों पर समर्पित है, इसलिए मैं बेटियों पर कुछ 5 मिनट बोलता हूँ। बेटी और बेटे में अंतर क्या है, मैं एक पंक्ति का अंतर रखता हूँ इलाहाबाद की इस अदालत में। फैसला सुनाइएगा कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा। हमने उन बेटियों को सरता जी बेटी है, दुनिया में कितना नाम किया, कितनी अच्छी कविताएं कही, कितने सम्मान पाए। रंजना जी भी बेटी है और भी हमारी डाक्टर बैठी है, सब लोग, ये बेटियां बहुत महत्वपूर्ण है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें खोलती है। मैं बदे हुए हाथ खुलवाना चाहता हूँ, मेरा आंदोलन समझना, बेटियों को समर्पित कार्यक्रम है, इसलिए मैं कविता और अपना काव्य पाठ बेटियों को समर्पित करता हूँ। इस कविता के साथ कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर कबीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई है, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, साइना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, अरे मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम समझे। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। मैं आगे बढ़ता हूँ, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां माँ बाप के बारे में ज्यादा सोचती हैं, बेटियां माँ बाप के बारे में ज्यादा सोचती हैं, दादी को देती दवा दादा का चश्मा पोछती हैं, उनकी पलकों से घरों में रोशनी आने लगी है, बेटियों को देख कोयल डाल पर गाने लगी है, उनके आने की प्रतीक्षा में कई रिश्ते खड़े हैं, बेटियों ने जो भी जोड़े हैं वही रिश्ते बड़े हैं, बेटियों ने जो भी जोड़े हैं वही रिश्ते बड़े हैं, वंश को आगे बढ़ाती शस्य का विस्तार करती, माँ बहन का रूप धरकर जिंदगी उपहार करती, पद्मिनी बनकर के जौहर की कला सिखलाई। भाई पंकज पाठक द्वारा जोरदार तालियां मित्रों। अले ब्याह कर लाई जो घर में वो बहू बेटी बना ले, बेटियां गुरुग्रंथ गीता बाइबिल कुरान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा प्रमाण। हम उन बेटियों की रक्षा करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माँ बाप का सम्मान करें, तब कहीं भारतीय संस्कृति पूर्ण होती है। भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पर ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आसरा फाउंडेशन का और इलाहाबाद का। जी का तो हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उनको लगा जाना, किताबें दे के उंगली थाम के स्कूल ले जाना, मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में। फिर कभी मित्रों, ये छोटा बच्चा राघव मिश्रा